राज्य सरकार की पहल पर आज जिले के सभी 319 गोठानों में रोका छेका पर्व मनाया गया। साथ ही जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया था, जहां फसल सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में रोका छेका की एक पुरानी परंपरा रही है, इसे पुनः प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष अभियान आयोजित किया गया। दिखाते हैं पूरी खबर। वही जिला पंचायत CEO डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने गोठान समिति स्व सहायता समूह चरवाहा गाँव के जनप्रतिनिधियों से कहा कि जिले के विभिन्न गाँव में गोठान बनाए गए हैं, जहाँ पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए चारागाह, पानी शेड आदि की व्यवस्था की गई है और गोठान के चारागाह में नेपियर घास और सहायता समूहों द्वारा सब्जी भाजी मसाला आदि का उत्पादन शुरू हुआ है। राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सहायता समूह और गोठान समितियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। साथ ही समूहों को सक्षम बनाने के लिए शासन की योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा गोठानों के प्रबंधन हेतु समिति को 40,000 रुपए देने का निर्णय लिया है, जिससे कि गोठानों का प्रबंधन अच्छे ढंग से हो सके, जहां गोठान मल्टी एक्टिविटी सेंटर का केंद्र बने और एक जगह विभिन्न रोजगार संबंधित कार्यों का भी संपादन किया जा सके। साथ ही सरदा भाटा सरपंच ने कहा कि गांव में जितनी भी गाय बछड़े हैं उसे गांव के गोठान में ले जाकर रखें, ताकि किसी भी किसान भाइयों को गाय बछड़े द्वारा फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुआ घुरुआ बारी के तहत छत्तीसगढ़ के जितने गोठान बने हैं वहाँ शासन के द्वारा बरसात लग गई, इसलिए गाँव में एक योजना लाया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रोका छेका। तो जितने भी किसान के पास गाय भैंस जितने भी हैं उनको ला के गौठान में रखना है, ताकि किसी प्रकार की फसल को नुकसान ना हो। ये अपना महत्वाकांक्षी योजना के तहत एक कार्यक्रम आज से चालू की गई है। इस तहत